Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel The Medical Matrix. In today's topic we are going to talk about DD set. अब DD set क्या होता है? Debridement dissecting set. Debridement का मतलब होता है removal of tissues. जो भी necrotic tissues होते हैं, जो dead tissues होते हैं, उनको remove करना, infected tissues को किसी भी wound से remove करना ताकि हम promote कर सकें healing को. तो तब हम क्या use करते हैं, जो instruments use करते हैं उस set को हम क्या कहते हैं? डी डी सेट. तो ये क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम ये इसको देख लेते हैं. ये है किडनी ट्रे. ठीक है, किडनी ट्रे क्यों यूज़ होता है? किडनी ट्रे जो हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट जो भी प्रोडक्ट हमने वेस्ट प्रोडक्ट जो हमने निकाला हुआ है, जो भी स्किन हो गई, जो भी चीज़ है जिसको हम लोग रिमूव कर देते हैं बॉडी में से, तो उसको हम किस में डालते हैं? इसमें, किडनी ट्रे में डालते हैं. इसको इसलिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो हम लोग जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है बॉडी को, उसको हम लोग इसमें डालते हैं. फिर आ जाता है स्पंज बाउल. स्पंज बाउल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, पायोडीन वगैरह डालते हैं और फिर जो हम स्पंज होल्डर से जो गॉज पीसेस होते हैं उसके ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, जो एरिया होता है उसको जो है तो क्लीन करते हैं. ठीक है, उसके लिए हम लोग ये बाउल यूज़ करते हैं. फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ सीजर्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पंज होल्डर की. ये है हमारे पास स्पंज होल्डर. और ये क्यों यूज़ होता है? जो गॉस पीस होता है ना, उसको हम लोग इसमें डाल के इसमें फिक्स करके और फिर जो हमने बात की यहाँ पे बाउल की, जो स्पंज बाउल है इसमें हम पायोडीन वगैरह डालते हैं और फिर उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो जगह होती है उसको क्लीन करते हैं. ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, इसको डिप कर देते हैं हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में और उससे क्या करते हैं, फिर इसको क्लीन करते हैं उस एरिया को. ठीक है, ये इस तरह की होती है. यहाँ पे इसका लॉक होता है, इसको लॉक कर देते हैं. जो गॉस पीस होता है उसको हमने इसमें लॉक कर दिया एंड देन फिर हम उसको सारा का सारा यूज़ करेंगे. इसके बाद आ जाते हैं एलिस पे. ये इसके अंदर दो एलिस होते हैं और एलिस किस लिए हम यूज़ करते हैं? यहाँ पे ये लॉक होता है और ये एलिस इसका आगे से मुंह होता है और ये किस लिए यूज़ होता है? जो डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं उनको ग्रैस्प करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इसलिए यहाँ पे इसके छोटे छोटे से टीथ होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ये टिश्यू को होल्ड कर देता है ऐसे. और इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो हम लोग टिश्यू, जो ऑर्गन भी हम इससे होल्ड करते हैं, वो डैमेज नहीं होता. तो एलिस से हम क्या करते हैं, कोई भी जो ऑर्गन होता है और कोई भी जो रिमूव करना है कुछ, तो उससे क्या करते हैं, हम इसे पकड़ लेते हैं उस एरिया को, उस ऑर्गन का. तो ये क्या करता है, ये टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करता, उनकी क्रशिंग नहीं करता. ठीक है, तो ये हम लोग डेलिकेट टिश्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं. और हमारे इस सेट के अंदर कितने होते हैं, इनकी क्वान्टिटी 2 एलिस हमारे पास मौजूद होते हैं डीडी सेट में. इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टरी फोर्सेप पे. आर्टरी फोर्सेप क्या है? ये क्या करती है, क्लैंपिंग ब्लीडिंग वेसल्स. ये क्या करेगी, ब्लीडिंग वेसल्स से हमको, हम लोग इससे क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि जब आपको कोई भी टिश्यू मिल जाता है और उसमें से जगह ब्लीडिंग हो रही होती है, तो हीमोस्टेसिस को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर ये मतलब किसी भी वेसल को आपने इसके ऊपर पकड़ के और उसको ऐसे बंद कर दिया, तो क्या होगा कि वो जो वेसल होगी वो इसके अंदर रहेगी और वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी. ठीक है, तो ये है हमारे पास आर्टरी फोर्सेप और इससे क्या करते हैं, हम लोग ब्लड वेसल्स को होल्ड डाउन करते हैं. ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास जो डीडी सेट है इसमें आर्टरी फोर्सेप्स भी 2 होती हैं. ठीक है, दो आर्टरी फोर्सेप्स होती हैं और 2 एलिस मौजूद होते हैं. तो ये हमारे पास हो गए आर्टरी फोर्सेप. इसके बाद हम आ जाते हैं नीडल होल्डर के ऊपर. ये नीडल होल्डर क्या करता है, जो हम सूचर लगा रहे होते हैं, जो सूचरिंग करते हैं हम लोग, जो हमने जो एरिया खोला हुआ है उसको जब बंद कर रहे होते हैं, स्किन को क्लोज करना या मसल्स को क्लोज करना आपस में या किसी भी तरह के वेसल्स को, तो फिर हम क्या करते हैं, सूचरिंग के लिए हम लोग नीडल होल्डर लेते हैं. ठीक है, ये भी यहाँ से देखिए लॉक होता है, इसको हमने यहाँ से खोल दिया, इसमें क्या कर लिया, नीडल को फंसा दिया. ठीक है, नीडल को फंसाने के बाद यहाँ से इसको लॉक कर दिया, नीडल कहीं पर भी नहीं जाएगी, आप इसको देख लो, यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगी. फिर क्या होगा कि आपने उससे जो सूचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लगा लेते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेकर्स टॉवल क्लैंप.
इस टॉवल क्लेम से क्या करते हैं हम लोग, जो टॉवल वगैरह होता है उसको क्रैप करने के लिए, जो एरिया है ना उसको एक्सपोज करके और साइड पे जो जो भी चीज़ है उसको क्लेम करने में यूज़ होता है। ये किसी भी तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये हो गया ना, इसको हमने क्या कर लिया, अब यहाँ पे हमने प्रोसीजर करना है, ठीक है। और हमने ये, हमारे पास ये टॉवल, तो इसको क्या करते हैं हम लोग इस तरह से क्रैप कर लेते हैं, क्लेम कर दिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे प्रोसीजर किया, सही। तो ये हमारे पास क्लेम पर इसलिए यूज़ होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डाइसेक्टिंग पे। ये है हमारे पास डाइसेक्टिंग सीजर्स। डाइसेक्टिंग सीजर्स हमारे पास क्यों यूज़ होती हैं, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को ओपन कर रहे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, डाइसेक्टिंग सीजर्स यूज़ करते हैं। ये है हमारे पास मायोकर्व सीजर, ठीक है। तो मायोकर्व सीजर ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये जो रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसकी कटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपने, अब फॉर एग्जांपल ये स्किन है और आपने इसको जो है तो कट करना है, ठीक है, और ये कर्व है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो डीप टिश्यूज़ होंगे ना वो उसको कट करेगा, बट जो बाकी आसपास के जो टिश्यूज़ हैं ना उनको डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग ये मायो सीजर क्या कटिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, ये क्या करेंगे, इससे कटिंग करेंगे, कोई भी प्रोसीजर है ना उसके स्किन की कटिंग के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मायो सीजर, ठीक है। ये मायो सीजर क्यों, डाइसेक्टिंग, मायो डाइसेक्टिंग सीजर, ठीक है। ये है हमारे पास, इसको यहाँ से दिखा देती हूँ आपको ताकि अच्छी तरह से आपको फोकस हो जाए। ये देखिए, इसके बीच में ये स्ट्रेट लाइन है और साइड्स पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, और इसको हम कहते हैं मिक्लैंडो कार्टिलेज सीजर, मिक्लैंडो कार्टिलेज सीजर। ये किस लिए यूज़ होता है, कार्टिलेज को कट करने, उसको शेप देने के लिए ये सीजर यूज़ होता है, जो जितने भी फ्लेक्सिबल और टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसको कट करने के लिए, उसको शेप देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि एयर्स हो गए, नोज़ हो गई, जॉइंट्स हो गए, तो उनकी रिकंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होता है। तो ये दोनों सीजर्स जिसको हम लोग डाइसेक्टिंग सीजर्स कहते हैं, और ये हम किस में यूज़ करते हैं, डीडी सेट में यूज़ करते हैं। और डीडी सेट में का काम क्या होता है, जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं बॉडी से, जितने भी इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया इन दो सीजर्स के से। फिर आ जाता है हमारे पास बीपी हैंडल, इसको ब्रॉड पार्कर हैंडल भी कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्लेड लगाते हैं और उससे क्या करते हैं फिर कट लगाते हैं। इसके ऊपर हम ब्लेड लगाएंगे, डिफरेंट साइज़ की ब्लेड्स आती हैं वो यहाँ पे लगा के, और फिर क्या करते हैं कट लगाते हैं, ठीक है। ऊपर सुपरफिशली आपने कट लगा लिया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, अंदर गया और फिर आपने ये जो डाइसेक्टिंग सीजर्स है हमारी उससे क्या किया, स्किन को काट के, और फिर आपने अपना प्रोसीजर किया, ठीक है। ये है हमारे पास फॉर्सेप्स, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, टूथ फॉर्सेप। ये इसके, आई होप आपको ये नज़र आ रहे हो, इसके टूथ्स नज़र आ रहे हो, इसको इस वजह से ही हम लोग क्या कहते हैं, डाइसेक्टिंग फॉर्सेप भी कहते हैं और टूथ फॉर्सेप भी कहते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है, टिश्यूज़ की होल्डिंग के लिए यूज़ होता है, कोई भी बॉन्ड अगर आप क्लोज कर रहे हो तो उसको होल्ड करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम कोई भी जो टिश्यू है उसको पकड़ के और साइड से, दूसरी साइड से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नीडल होल्डर हम क्या करते हैं, सुचर्स लगाते हैं। वेट, कहाँ गई मेरी नीडल होल्डर, ये रहा। तो ये ना हमारे पास ये क्या हो गया, ये नीडल होल्डर है और ये टूथ फॉर्सेप है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगाया, इसको मैंने यहाँ से पकड़ के और फिर दूसरी साइड से मैंने क्या किया, स्टिच लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, टूथ फॉर्सेप है। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये किसी भी चीज़ को क्रैप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, होल्डिंग टिश्यूज़ को। फिर आ गया हमारे पास ये डाइसेक्टिंग फॉर्सेप, जिसको हम प्लेन फॉर्सेप कहते हैं। और ये भी क्या होता है, ड्रेसिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है, ग्रास्पिंग टिश्यूज़ में यूज़ होता है ये। तो एक है हमारे पास टूथ फॉर्सेप और एक है हमारे पास प्लेन फॉर्सेप। फिर आ जाता है हमारे पास क्यूरेट। अब ये सर्जिकल क्यूरेट क्यों यूज़ होता है, इससे क्या करते हैं, जो हमारे पास जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं, जो नेक्रोटिक डेड टिश्यूज़ हैं, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। देखो इसका ये, इसकी साइड ना अंदर से इस तरह से ये ऐसे कर्व्स ही है दोनों साइड, एक का डायमीटर थोड़ा छोटा है, छोटी है, और दूसरा वाला जो है थोड़ा सा इसका बड़ा है। फोकस हो जा प्लीज़, ये देख,
ये थोड़ा सा इसकी साइज़ बड़ी है। और ये किस लिए यूज़ होता है, जब हमारे पास अब फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पे कोई टिश्यू है जो हमने रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना ये डिब्राइडमेंट सेट है, तो इसमें अब ये कुछ टिश्यू है ना, इसको रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह करके रिमूव कर देंगे, सही है। अब कोई चीज़ है ना, रिमूव कर दिया, इससे भी हम टिश्यूज़ को रिमूव करते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होता है, किसी भी तरह के वाउंड से, किसी भी तरह के सर्जिकल साइट से जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं, जो फॉरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये क्यूरेट, सर्जिकल क्यूरेट यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली, एक रिकैप कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया क्यूरेट, जो कि हम क्यों यूज़ करते हैं, रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यूज़, ठीक है, और किस सेट में यूज़ होता है, डिब्राइडमेंट सेट में यूज़ होता है। फिर हमने बात कर ली ये टॉवल क्लेम की, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बेकस टॉवल क्लेम, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास डिसेक्टिंग सीजर, जिसमें हमारे पास एक है ये मायो सीजर, जिससे हम लोग डिजिट स्ट्रक्चर्स को कट आउट करते हैं, और ये है हमारे पास मैकलैंडो कार्टिलेज सीजर, ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, कार्टिलेज को शेप भी देते हैं और क्या करते हैं, कटिंग भी करते हैं उसकी। फिर हमारे पास आ जाती हैं दो आर्टिफोर्सेप्स, ये आर्टिफोर्सेप्स हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि क्यों यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपका जो हीमोस्टेसिस है उसको ख़त्म करने के लिए, जो क्लैंपिंग ब्लीडी वेसल्स, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ये एलिस, जिसको हम लोग डेलिकेट टिश्यूज़ की होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास ये बीपी हैंडल, बीपी हैंडल क्यों यूज़ करते हैं, कट लगाने के लिए, डिसेक्टिंग के लिए हम लोग बीपी हैंडल यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास ये है प्लेन फोर्सेप, जिसको हम लोग टिश्यूज़ को ग्रैब करने के लिए यूज़ होता है। और फिर एक आता है हमारे पास टूथ फोर्सेप, ये उसके बाद आता है हमारे पास नीडल होल्डर, और फिर है हमारे पास स्पंज होल्डर, और ये स्पंज होल्डर से क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को जो है तो सारे एरिया पे लगाते हैं, सही है। फिर आता है हमारे पास किडनी ट्रे, और किडनी ट्रे में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो वेस्ट वगैरह होता है वो रखते हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास ये स्पंज बाउल, और इसमें क्या करते हैं, पाउडर डाल के और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, अगर मेरी वीडियो आपको समझ आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।